Hello, good morning my dear student. Very good morning. Rajiv Kumar Singh welcome you all. And now today we are going to discuss about trigonometric identities. देखो, trigonometric identities के बारे में बच्चों के पास पहले से वो एक predict करके रखते हैं कि उसको ये बहुत ज़्यादा difficult लगता है. लेकिन आज मैं इस डिफिकल्टीज को दूर करने वाला हूं. मतलब आपको ट्रिगोनोमेट्रिक प्रूव्स करने में कभी भी दिक्कत नहीं आने वाली है. तो ये प्रूव करने के लिए आपको आज मेरे साथ रहना होगा और लास्ट में आप देखोगे कि आपके सारे के सारे क्वेश्चंस बनने लगेंगे खुद से आपसे. तो सबसे पहले आइडेंटिटीज हो गया कि हमारे पास जो फॉर्मूला, तो यहां पे जो हमारे पास आइडेंटिटीज का फॉर्मूला है पहले हमको वो यूज करना होगा. देखिए, हम लोग कुछ आइडेंटिटीज का फॉर्मूला लेते हैं. तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इज इक्वल टू वन होता है. एक फॉर्मूला मैं प्रूव करता हूं और उसके बाद उसका सबसिक्वेंट पार्ट भी आपके सामने आएगा. पहले मैं इसको प्रूव करता हूं. तो यहां पे आप देखो, साइन थीटा होता है पी बाई एच, कॉस थीटा क्या होता है, कॉसेक थीटा क्या होता है, एच बाई पी, और ये दोनों अगर कट गया तो क्या आएगा, वन. तो हम कह सकते हैं यहां पे कि साइन इंटू कॉसेक क्या है, वन. हम लोग जब फॉर्मूला डिराइव कर रहे थे साइन और कॉसेक का, तो हम लोगों ने यह बात जाना था कि साइन और कॉसेक एक दूसरे का क्या होता है, रेसिप्रोकल. तो केवल इस वन फॉर्मूला से हमें ये तीन फॉर्मूला निकालना है, साइन थीटा इज इक्वल टू वन बाई कॉसेक थीटा और कॉसेक थीटा इज इक्वल टू वन बाई साइन थीटा. आपको ये पूरा का पूरा याद रखना है. अगर आपने इनमें से एक को भी छोड़ा, अगर आपने फॉर्मूलाज नहीं लिखा और नहीं याद किया, तो आप समझ लो कि आप गलती कर रहे हो. यह हुआ हमारा पहला पार्ट. दूसरा, कॉस थीटा का रेसिप्रोकल होता है सेक थीटा, और कॉस इंटू सेक होता है वन. तो सिर्फ कॉस थीटा का वैल्यू क्या होगा, वन बाई सेक थीटा, और सेक थीटा का वैल्यू क्या होगा, वन बाई कॉस थीटा. तो आपको यह भी याद रखना होगा. उसके बाद फिफ्थ नंबर, फोर फाइव सिक्स, दिस इज सेवन. हर एक पार्ट को आपको याद रखना होगा, ध्यान रखना होगा, क्योंकि याद रखोगे तभी यूज कर पाओगे. तो सेवेंथ है हमारा टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू वन. तो केवल टेन थीटा क्या होगा, क्योंकि टेन इंटू कॉट क्या होता है, वन. टेन और कॉट एक दूसरे का रेसिप्रोकल है. तो टेन थीटा हो जाएगा वन बाई कॉट थीटा. नाइन नंबर, कॉट थीटा का वैल्यू क्या होगा, वन बाई टेन थीटा. तो आप देख रहे हो कि हमारे पास जो सबसे पहला पार्ट था, जो सबसे पहला फॉर्मूला का पार्ट था, वो हमने किया. अब कुछ और रिलेशंस के बारे में हम बात करेंगे. तो ये हो गया आपका टोटल पहला नाइन फॉर्मूला. अब आते हैं हम इसके आगे के क्वेश्चंस के फॉर्मूले के लिए. देखते हैं टेंथ फॉर्मूला हम लेंगे यहां पे. tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा. इलेवेंथ में लेंगे tan का रेसिप्रोकल cot थीटा. जब हमने रेसिप्रोकल बोला है, इसका मतलब साइन और कॉस को क्या करना है, हमें रेसिप्रोकल करना है. तो ये हो जाएगा हमारा cos थीटा बाई साइन थीटा. tan और cot हो गया हमारा. यहां तक के फॉर्मूलाज में हमने पी बी एच का यूज किया है. अब यहां के बाद हम लोग कुछ जो सबसे इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज है वो सब लिखेंगे. लेकिन ये बिल्कुल ध्यान रखेंगे कि इनमें से कोई भी फॉर्मूला ऐसा नहीं है जिसको हम इग्नोर करेंगे. सारे फॉर्मूलाज इंपॉर्टेंट है. अगर आपने ये याद कर रखा है तो बहुत अच्छी बात है, इससे आप ये दोनों बना सकते हो, कोई इशू नहीं है. या ये देख करके आपको पता है तो याद रखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी कि कॉस और सेक एक दूसरे का रेसिप्रोकल. चलिए अब हम बात करते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन.
ये जनरल एंड वेरी इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है। तो अब हम क्या करेंगे कि इस फॉर्मूला को अच्छे से देखेंगे कि ये फॉर्मूला से कितने सारे फॉर्मूलाज निकल के आते हैं। देखिए ध्यान से, आपको हमारे पास लिखा गया फॉर्मूला में थोड़ा सा डिफरेंस दिखेगा, 1 cos² थीटा, और यहां पे जाकर के आपको डिफरेंस दिखेगा क्योंकि मैंने जो है इक्वल का साइन दिया है। मैं आपको एक बात बताऊं, बहुत 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 इंपॉर्टेंटली, कि आपको जो फॉर्मूला मैं लिख के दे रहा हूं उनमें से कोई भी फॉर्मूला नहीं छोड़ना है। तो आप देखिए क्या कि साइन स्क्वायर थीटा क्या हो गया, 1 cos² थीटा, और ये कैसे बना, साइन स्क्वायर यही है लेकिन कॉस स्क्वायर को हम यहां लाए। यहां के बाद बस एक स्टेप और याद रखना है आपको, आपको पता है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये होता है। यहां भी अगर आप देखोगे ध्यान से तो ये 1 स्क्वायर है, अगर 1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, 1 स्क्वायर, और वैल्यू 1 ही रहेगा, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 cos θ ((1 - cos θ)। ये पार्ट को आप थोड़ा ध्यान से देख लेना क्योंकि ये पार्ट हमको आइडिया देता है कि अगर 1 cos है तो हम 1 cos से मल्टीप्लाई करेंगे और रिजल्ट हमको मिलेगा sin²θ। क्वेश्चंस में मैं आपको ये एक्सप्लेन करूंगा, तो आपको ये याद रखना है और बहुत ध्यान रखना है इस बात का। इसी तरह से हम फॉर्मूला नंबर 14 देखते हैं, केवल cos²θ के बारे में लिखते हैं। यहां होगा 1 - sin²θ ((1 - sin θ)) 1 - sin θ। तो आप यहां भी देखें कि हमने किस तरह से इस फॉर्मूला से कॉस स्क्वायर निकाला और फिर इस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को ए प्लस बी इंटू ए माइनस चेंज किया। और सबसे ध्यान देने वाली बात यह है कि 1 + sin को 1 - sin से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा कॉस स्क्वायर। तो आपको ये जो ट्रिक है ना, ये जो पार्ट है ना, ये बहुत ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए 14 के बाद आगे आते हैं हम 15, 16, 17 बाकी फॉर्मूला के बारे में। लेकिन आपको एक बात बताऊं, एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात बताऊं, कि जब कभी भी आपका साइन स्क्वायर हो तो आप क्या कर रहे हो, यहां पे 1 - cos² लिए, 1 + cos ((1 - cos) लिए, ये एक ही फॉर्मूला से ये दोनों निकला है और इसी फॉर्मूला से ये आया है। तो जनरली किताब में केवल ये बोला जाता है याद रखने को, और याद भी इसी को रखना होता है हमें, लेकिन इससे जो डिराइव करना है वो आप देख लेना कि ये बहुत जरूरी का चीज है। चलिए आगे आते हैं 15 नंबर फॉर्मूला। तो आपके पास अगर आगे मैं बताऊंगा जनरल मेन फॉर्मूलाज क्या थे। चलिए ये हो गया आपके पास sec²θ - tan²θ (=1). ये भी आइडेंटिटीज है। अगर किसी भी आइडेंटिटीज को प्रूव करना हो तो आप यहां पे b² / h² p² / b² इस तरह से आप h/b² - t²/b² सॉल्व करोगे तो आपको मिल जाएगा 1। अब यहां पे देखो आप, केवल अगर मैं sec²θ लिखता हूं तो क्या आता है, 1 + tan²θ। अच्छा, 1 + tan² को हम बाहर नहीं लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, सिर्फ tan²θ अगर हमें लिखना हो तो यहां tan²θ का फॉर्मूला क्या होगा, 1 - sec²θ। तो अब आपको मैं बताना चाहता हूं कि ये दोनों पार्ट, जो a²-b² का फॉर्मूला जो निकला है, केवल यहीं तक सीमित नहीं है, क्योंकि मैं क्या करता हूं कि मैं आपको एक स्टेप आगे बढ़ाता हूं, यानी आपके सोचने का जो दायरा है मैं थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूं। जैसे कि आप जब कभी भी फॉर्मूला याद करोगे ना, तो एक बार एक प्लस वन अप्रोच आपका एक थोड़ा ज्यादा अर्लियर आएगा। यहां भी देखो आप, sec²-tan² को हम क्या लिख सकते हैं, sec + tan ((sec - tan)) ये लिख सकते हैं। तो आप ये याद रखोगे, इसमें भी यही है, यहां भी क्या होगा आपके पास, 1 + sec θ ((1 - sec θ)) ये याद रखना होगा आपको। तो ये जो हमने फॉर्मूला 15 लिखा है उसी फॉर्मूले से 16 और
17 भी हमने डिराइव किया है, तो ये आप लिख लोगे। उसके बाद आगे आते हैं, हम 17 के बाद आते हैं, मैं मिटा रहा हूं इस साइड का। अब हम 18 से फॉर्मूला लिखेंगे, और ये सारे फॉर्मूला को हम बिल्कुल भी जाने नहीं देंगे, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। आते हैं 18 नंबर में, यहां पे जैसे आपके पास सेक स्क्वायर था, यहां पे आएगा कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो अब 18 के बाद मैं ये फॉर्मूले को मिटा दे रहा हूं, जिससे कि आपको देखने में और बनाने में आसान रहे। ये सारे फॉर्मूलाज है जिसको आपको याद करना है, कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इनटू कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। जब आप ये फॉर्मूला याद करोगे तो आप खुद देखोगे कि इतनी आसानी से आप सारे क्वेश्चंस बनाने लगोगे, आपको दिक्कत ही नहीं आएगी, और ट्रिगोनोमेट्री आपके लिए बहुत आसान होने वाला है। तो आप कभी भी जो भी टीचर आपको पढ़ाते हैं, चाहे वो जो भी टीचर हो, तो आप कम से कम उनकी बात को पूरी तरह से फॉलो किया करो। पहले तो ये पता करो कि हमारे टीचर योग्य हैं या नहीं, और वो हैं तो आप उनको पूरी तरह से फॉलो करो, बहुत फायदा होता है। अब देखिए, यहां हम केवल लिखेंगे कॉट स्क्वायर थीटा, यहां हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। और जैसे कि आप जान रहे हो कि ये भी क्या है, एक पार्ट कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 स्क्वायर है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, कॉसेक थीटा प्लस 1 इंटू कॉसेक थीटा माइनस 1। यह है आपका 20वां फॉर्मूला, 20th फॉर्मूला। ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज के आपके पास जितने भी फॉर्मूलाज थे आइडेंटिटीज प्रूविंग के लिए, वो आपके पास मिला हुआ है। अब मैं कुछ कुछ छोटे छोटे ट्रिक्स बताऊंगा, जिस ट्रिक्स की मदद से आप पूरा का पूरा प्रूविंग क्लियर होने वाला है आप। तो मैं इसको मिटाना चाहूंगा, आप सब लोग इसको उतार लो, फिर हम मिटाते हैं इसको, और मिटाने के बाद फिर एक एक करके हम डिस्कस करेंगे कि कैसे हमारा प्रूव हो रहा है। ओम, वो लाइट ऑफ करो और ये लाइट ऑन करो। चल, अब हम बात करते हैं प्रूविंग के बारे में। सबसे पहले कॉन्सेप्ट कहता क्या है, देखिए आपके पास कॉन्सेप्ट कहता है कि LHS में एक पार्ट होता है और RHS में एक पार्ट होता है। हमें क्या करना होता है, LHS से चलना होता है और यहां जाकर के हमारा RHS के बराबर आंसर आ जाता है। यानी LHS से आप स्टार्ट करते हो कैलकुलेशन, यानी आपको दिखता है कि LHS में बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे कैलकुलेशंस के पार्ट हैं, और आप LHS के कैलकुलेशंस को सॉल्व करते हो और आपका पूरा का पूरा मोटो होता है कि RHS में जो पार्ट है उसके बराबर का पार्ट आ जाए। तो ये हो गया आपका प्रूविंग, करेक्ट। दूसरा मेथड है कि हम RHS से चलते हैं और LHS तक आते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे पास LHS में कुछ ज्यादा होता नहीं है कैलकुलेशन का, बहुत सेचुरेटेड फॉर्म में होता है, लेकिन RHS में बहुत सारा पार्ट होता है जिसको हम कैलकुलेट करते हैं और LHS तक आते हैं। कभी कभी हम ये करते हैं, और कभी कभी क्या करते हैं हम कि LHS से भी चलते हैं, RHS से भी चलते हैं, और दोनों यहां पे आकर के बराबर हो जाता है। यानी LHS भी जो है और RHS भी है, वो दोनों क्या हो जाता है, यहां पे एक स्टेज पे आके दोनों बराबर हो जाता है। तो हम इस तरह से भी सॉल्व करते हैं। तो जब कोई कैलकुलेशन बहुत ज्यादा लेंदी हो, दिखने में लगता है कि इस साइड में भी बहुत बड़ा पार्ट है और इस साइड में भी बहुत बड़ा पार्ट है, तो हम दोनों को ही पैरेलली कैलकुलेट करते हैं और दोनों आपस में आके यहां पे इक्वल हो जाता है। ठीक है, तो हम लोग क्वेश्चन वाइज ये डिस्कस करते रहेंगे कि किसको हमें कब कहां से उठाना चाहिए, LHS लेना चाहिए या RHS लेना चाहिए या दोनों लेना चाहिए, ये क्वेश्चन वाइज क्वेश्चन हम देखेंगे। लेकिन आपको आज मैं बताऊं प्रूविंग के तरीके कि हम लोगों को प्रूविंग में जनरली पढ़ना क्या होता है, हम लोग जनरली क्या क्या काम ऐसा है जो हम करते हैं और जिसके वजह से हमारा प्रूविंग आसान होता है। तो मैं आपको बताता हूं
कि कम से कम 10% क्वेश्चन, 10% क्वेश्चन में हम एलजेब्रिक आइडेंटिटीज का यूज करते हैं, यानी कि एलजेब्रा के फॉर्मूला का यूज होता है। और अगर हमारे पास एलजेब्रा का फॉर्मूला याद ना हो तो दिक्कत आ जाएगी। यानी आपके पास अगर एलजेब्रा के फॉर्मूलाज याद नहीं है, ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज है तब तो ट्रिगोनोमेट्री के 200 फॉर्मूला याद रखने ही पड़ेंगे, लेकिन अगर आपने एलजेब्रा का फॉर्मूला याद नहीं किया तो भी ये आइडेंटिटीज आपसे सॉल्व नहीं होगा, आपसे बनेगा नहीं। जैसे एक क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन है साइन 6 थीटा प्लस कॉस 6 थीटा इज इक्वल टू 1 - 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। 10% कैरी करता है, यानी कि एलजेब्रा का फॉर्मूला याद होना बहुत जरूरी है। तो आप बताओ कि ये आप साइन कॉस को कुछ भी कर लो ये नहीं आने वाला जब तक कि आपको एलजेब्रा का फॉर्मूला याद नहीं है। और यहां देखो, एलजेब्रा का फॉर्मूला अगर याद है तो आप यू लिख सकते हो, ए पे पावर 6 और प्लस बी पे पावर 6। हालांकि ऐसे फॉर्मूला हम इसी का यूज करेंगे, ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू ए प्लस बी होल क्यूब माइनस 3ab और ए प्लस बी, ये फॉर्मूला यूज करेंगे। तो जिस बच्चे को एक्सपेंशन वाले में, फैक्टराइजेशन नहीं, एक्सपेंशन का जिसको ये फॉर्मूला याद नहीं है, वो बच्चा ये सॉल्यूशन करने में उसको आसान नहीं पड़ेगा, बहुत ज्यादा दिक्कत आएगी। तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना होगा। अब देखो कैसे हम इस फॉर्मूले का यूज कर रहे हैं। इसको हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा होल क्यूब, और इसे भी लिख सकते हैं हम कॉस स्क्वायर थीटा होल क्यूब, और हम देख रहे हैं क्या फॉर्मूला, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होगा, ए प्लस बी, क्योंकि ए और बी के जगह पे क्या है साइन स्क्वायर थीटा और बी के जगह पे है कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये हो जाएगा ए प्लस बी होल टू द पावर 3 माइनस 3 ए बी, और ब्रैकेट में क्या है ए प्लस बी, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। आप देखोगे कि मैंने जो आपको फॉर्मूला लिखा था वो फॉर्मूला में 10वां फॉर्मूला यही था। अभी जो मैंने लिखा है उसमें 10th फॉर्मूला यही था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। अब आप डायरेक्ट यहां पे इसके जगह पे 1 पुट करो तो आप देखोगे कि आपके पास RHS आ गया, डायरेक्ट आपने RHS ले लिया। लेकिन अगर आप ये फॉर्मूला याद नहीं करते तो कोई किसी भी ट्रिगोनोमेट्री फॉर्मूला से आपका सॉल्यूशन नहीं होने वाला था। यानी कि आपको याद रखना होगा कि हमारा जो क्वेश्चन है वो 10% क्वेश्चन केवल और केवल एलजेब्रिक फॉर्मूला के ऊपर डिपेंड करेगा। तो 10% क्वेश्चन में हमको केवल एलजेब्रा के फॉर्मूलाज का यूज करना पड़ेगा। हम आगे आते हैं, दूसरे क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, इसे मिटा रहे हैं, लिख लीजिएगा और फॉर्मूला भी याद कर लीजिएगा। वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग सभी बच्चों को, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग हर्षा, वेरी गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग हिमांशु, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग बेटा, आप लोग अपना नाम लिख दो, डॉटर ऑफ विभा सिंह, वेरी गुड, कोई बात नहीं है बेटा। मामा जी नमस्ते, हमेशा आप लोग हैप्पी रहो, स्टे होम स्टे सेफ, सही है हिमांशु, आई फॉलो दैट, मिटा रहा हूं बेटा, आप लोग देख रहे हैं इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम आगे बढ़ते हैं। अब आपको मैं बताऊं कि ये जो आपका 10% मार्क्स जो आपको मिल रहा था वो केवल और केवल एलजेब्रा के फॉर्मूला से, जिस बच्चे को दिक्कत होगी एलजेब्रा के फॉर्मूला में मैं लिख करके एक बार फिर उसको आपको दे दूंगा। देखिए पहले मेरे वीडियोस में है वो, इसलिए आप देख सकते हो वो। चलो यहां देखते हैं। अब मैं बताता हूं 50% क्वेश्चन आपको आएगा क्वेश्चन साइन और कॉस में कन्वर्ट करके, फॉर्मूला का यूज करके हम कैसे और कर सकते हैं। देखिए जैसे एक क्वेश्चन लेते हैं 1 + tan² θ / 1 + sec θ इज इक्वल टू sec θ।
देखिए यहाँ पे हमारे पास वही पार्ट दिख रहा है टेन स्क्वायर थीटा, और यहाँ के क्वेश्चन में भी आप देखोगे कि हम लोग अगर इस वाले पार्ट को सेक के फॉर्म में चेंज कर दे तो कट जाएगा, यानी कि इसको भी हम लोग दोनों तरीके से सॉल्व करेंगे, समझ गए? एक तो ये कि हम लोग साइन बाई कॉस करके कर सकते थे, और दूसरा डायरेक्ट फॉर्मूला जो मैंने आपको दिया है वो। तो आप देखो यहां वन प्लस टेन के जगह पे, टेन स्क्वायर के जगह पे आप लिख सकते हो सेक थीटा प्लस वन इंटू सेक थीटा माइनस वन डिवाइडेड बाई वन प्लस सेक थीटा। तो क्या होता है यहां पे, वन प्लस सेक थीटा कैंसल हो जाता और यहां पे आता वन प्लस सेक थीटा माइनस वन, में माइनस वन प्लस वन कट के क्या आ जाता, सेक थीटा, जो हो गया हमारा आरएचएस प्रूफ। और इसी से मैं दूसरा पार्ट करता हूं जो आपको साइन और कॉस से सॉल्व करना है, यानी कि ये क्वेश्चन अगर आपने वो फॉर्मूला नहीं किया है तो ये क्वेश्चन आपके लिए कितना लेंदी होगा वो देख लीजिए। इसे मिटा रहा हूं मैं, चलिए हर्षा ध्यान रखिएगा बेटा, टेन स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा का आपने फॉर्मूला याद कराया है मैंने, सेक थीटा प्लस वन इंटू सेक थीटा माइनस वन, तो ये पार्ट मैं यूज कर रहा हूं। अब देखिए इसको अगर हम साइन कॉस के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो आएगा वन प्लस टेन स्क्वायर, क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा, और यहां हो जाएगा आपका वन प्लस वन बाई कॉस थीटा। मैंने कहा ये जो 50% क्वेश्चन है इसमें सभी को साइन और कॉस में चेंज करना होता है, तो ये हो गया हमारा पहला स्टेप। अब देखिए यहां पे वन प्लस साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा बाई, और यहां पे हम अगर एलसीएम लें तो यहां पे क्या होगा कॉस थीटा प्लस वन। अभी भी देखिए पिछले क्वेश्चन में सिर्फ दो स्टेप करके हमारा प्रूव हुआ था, लेकिन साइन और कॉस में जब कर रहे हैं तो हमारे पास और भी ज्यादा स्टेप्स होने वाले हैं। तो यहां से हम देखते हैं वन प्लस साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा बाई वन प्लस कॉस थीटा होगा, और एक कॉस थीटा तो आपका यहां पे कैंसल हो जाता है। अब देखिए यहां पे क्या बचता है, ये बचता है आपका कॉस थीटा इंटू वन प्लस कॉस थीटा, और ऊपर में क्या है आपका साइन स्क्वायर थीटा, और यहां है वन प्लस। देखिए आपने क्वेश्चन में कैसे मैंने बदलाव किया, पहला है टेन स्क्वायर जिसको हमने साइन स्क्वायर बाई कॉस स्क्वायर लिखा, वन प्लस सेक को हमने लिखा वन प्लस वन बाई कॉस, ये वन प्लस वन बाई कॉस जो था उसमें हमने नीचे दोनों डिनोमिनेटर का एलसीएम लिया और वन से डिवाइड करके आया कॉस, कॉस इंटू वन हो गया कॉस, इस कॉस से जब कॉस को डिवाइड किए तो आया वन, और वन इंटू वन क्या हुआ फिर वन, सॉरी। अब उसके बाद ये आगे हमारा है वन। अब देखो यहां पे ध्यान से कि साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा हमने लिखा और इसका हमने डिविजन के कारण रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई किया, तो यहां पे हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा बचा और नीचे क्या आ गया कॉस थीटा इंटू वन प्लस कॉस थीटा। अब हम क्या करना है, हमें आपको जैसे कि मैंने बताया है फॉर्मूला हमेशा यूज करना है, यहां भी अगर साइन स्क्वायर के बदले आप लिखते वन माइनस कॉस और वन प्लस कॉस तो भी फायदा होने वाला था आपको, यानी यहां भी अगर आप वो लिखोगे तो यहां से भी क्वेश्चन ईजी बन रहा है, लेकिन अगर आप वो फॉर्मूला यूज नहीं करोगे तो और लेंदी बनेगा। तो यहां पे जाके हम कम से कम अपने काम को आसान करें, वन प्लस कॉस थीटा इंटू वन माइनस कॉस थीटा। देखो नहीं तो बहुत ज्यादा लेंदी होगा आपका क्वेश्चन, अगर आपने ये फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला पार्ट अगर नहीं किया तो बहुत ज्यादा लेंदी होगा। तो यहां हो गया वन माइनस कॉस बाई कॉस प्लस वन। अब देखिए हम यहां पर फिर आते हैं, ये देखिए नीचे एक कॉस है और यहां पे है प्लस वन और यहां है वन माइनस कॉस, सॉल्व करते हैं। तो यहां देखिए वन प्लस वन माइनस कॉस बाई कॉस को जब सॉल्व करेंगे तो एलसीएम होगा कॉस थीटा और यहां होगा कॉस थीटा प्लस वन माइनस कॉस थीटा, और प्लस कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा कटेगा तो आएगा वन बाई कॉस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा। आप देखो कि आपने कितना बड़ा कैलकुलेशन किया साइन और कॉस में कन्वर्ट करके,
जनरली सभी बच्चे यही कैलकुलेशन करते हैं और सभी बच्चे को यही सिखाया भी जाता है। लेकिन मैंने आपको इसी क्वेश्चन को क्या किया, आसान किया था। कैसे, इसको मिटा के एक बार फिर दिखा दूंगा, मैं मिटा रहा हूं इसको, आप लोग वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हो। देखिए यहां मैंने बताया था कि 10 स्क्वायर को आप डायरेक्ट लिख दो 1 sec थीटा प्लस 1 इंटू sec थीटा माइनस 1, और नीचे क्या है आपका 1 प्लस sec थीटा है, और ये दोनों जब कट गया तो आपके पास बचता क्या है 1 प्लस sec थीटा माइनस 1, और ये प्लस 1 माइनस 1 कटा तो क्या आया sec थीटा। तो आप देखिए कि आपने केवल दो स्टेप किया और डायरेक्ट आंसर आ गया, और पिछले क्वेश्चन में आपने 7-8 स्टेप किए और तब जाकर के आप आंसर तक पहुंचे, आरएचएस तक पहुंचे। तो ये बहुत जरूरी है कि मैंने जो आपको 20 फॉर्मूलाज दिए हैं उस फॉर्मूला को ढंग से उपयोग करके बनाना है। अगर आप उसको ढंग से यूज करके नहीं बनाओगे तो क्वेश्चन इज गोइंग टू बी वेरी वेरी कॉम्प्लिकेटेड। ठीक है, तो ये क्वेश्चन और मैं बताता हूं आपको, इसके बाद बता रहा हूं मैं 10% ये क्वेश्चन के बाद 50, 10, 60, 10, 70 हमने आपको 70% का बताया है, 10% क्वेश्चन डायरेक्टली फॉर्मूला यूज करना होगा, डायरेक्ट ट्रिगोनोमेट्री फॉर्मूला, डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करना होगा। अब आप बोलोगे सर ये डायरेक्ट फॉर्मूला कैसे यूज करें, यानी कि डायरेक्ट फॉर्मूला का मतलब हुआ कि आपके पास क्वेश्चन जो है वो किस तरह से होगा। जैसे देखिए मैं बताता हूं आपको, देखिए 1/1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा, 1/1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। यहां पे हम डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करेंगे, मतलब इसको अगर आप साइन और कॉस से करने लगे तो हो जाएगा लेकिन टाइम बहुत लगेगा। 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है क्या, sec स्क्वायर थीटा, तो हमने डायरेक्ट यहां लिखा sec स्क्वायर थीटा। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है cosec स्क्वायर थीटा, तो हमने यहां लिखा cosec स्क्वायर थीटा। अच्छा 1/sec cos का रेसिप्रोकल है तो हम इसको रेसिप्रोकल लिए तो यहां आ गया cos स्क्वायर थीटा, और cosec का रेसिप्रोकल लिए तो आ गया sin स्क्वायर थीटा, और हमें पता है कि sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर होता है 1। तो आप देखो यहां पे कि हमने किसी भी तरह का यहां कोई कैलकुलेशन नहीं किया, हमने एक के बाद एक डायरेक्ट केवल 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 फॉर्मूला यूज किया, और ये फॉर्मूला यूज करने पे हमारे आंसर मिल गए। ठीक है, और इन सभी तरह के क्वेश्चन में आप देखोगे कि आपने यहां पे कभी फॉर्मूला यूज किया, कभी क्वेश्चन को सबको साइन बाई कॉस में कन्वर्ट किया, कभी कुछ फॉर्मूला में आपने थोड़ा सा मेरा इंप्रोवाइज्ड फॉर्मूला यूज किया है ना। अब आते हैं हम और भी क्वेश्चन, देखिए यहां पे 10% क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जिसमें आपको LHS को भी आगे बढ़ाना होगा और RHS को भी आगे बढ़ाना होगा, यानी आप ये दोनों ही पार्ट को सॉल्व करेंगे, ऐसे भी क्वेश्चन होंगे 10%, क्योंकि एक तरफ से क्वेश्चन करने के लिए आपको दिक्कत होगा, एक तरफ से क्वेश्चन करेंगे आप तो आपको हमेशा दिक्कत होगा। तो यहां 10% क्वेश्चन क्या होगा, LHS और RHS दोनों को आगे बढ़ाना होगा। अच्छा 10% क्वेश्चन में आप देखोगे जैसे हम लोग रेशनलाइज करते थे, जैसे हम ये करते थे कि 1 प्लस साइन थीटा बाय 1 माइनस साइन थीटा इसका स्क्वायर रूट, या 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा इस तरह का होगा। हमें क्या करना होगा, डिनोमिनेटर या न्यूमरेटर के पार्ट को मल्टीप्लाई करना होगा रूट के बाहर निकालने के लिए, और हमारे पास जो सॉल्यूशन होगा, जैसे मान लो क्वेश्चन यही दिया हुआ है तो हम यहां पे क्या करेंगे, 1 माइनस साइन थीटा है तो हम इसे 1 प्लस साइन थीटा से ऊपर नीचे दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास नीचे रिजल्ट हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और ऊपर हो गया 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर। आप देखो ध्यान से यहां पे कि 1 प्लस साइन थीटा रूट के बाहर आ गया, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कॉस स्क्वायर थीटा, तो रूट के बाहर क्या होगा, अगर कॉस स्क्वायर थीटा का रूट हम लेंगे तो रूट के बाहर आएगा केवल और केवल कॉस थीटा, तो ये जो पार्ट है वो पार्ट क्या हो जाएगा,
ये जो पार्ट है वो पार्ट हो जाएगा आपका रूट के बाहर। तो हम इस तरह का पैटर्न फॉलो करेंगे, यानी कि जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया है कि अगर ये a माइनस बी है तो हम a प्लस बी से मल्टीप्लाई करेंगे। और ये क्वेश्चन भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है आपका, जिस क्वेश्चन में आपको इस तरह का मल्टीप्लाई करके प्रूविंग करना होता है। तो 10% क्वेश्चन बिल्कुल ऐसा ही होगा जिसमें आप a प्लस बी अगर गिवेन होगा तो आप उसमें माइनस से मल्टीप्लाई करोगे, और अगर माइनस गिवेन होगा तो आप उसमें प्लस से मल्टीप्लाई करोगे, और रिजल्ट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा जो आपको फॉर्मूला के टर्म में मिलेगा। और ये जो आपका फॉर्मूला के टर्म में मिलेगा उस फॉर्मूले का आपको उपयोग करना होगा, ठीक है। चलिए अब हमारा बचा है केवल और केवल 10%। तो मैं आपको बताऊं कि इस 10% में हमें फॉलो करना होगा कुछ पैटर्न को, इसे मैं मिटाना चाहूंगा। इस 10% वाले क्वेश्चन को मैं आपको बताता हूं कि हमें इसमें कुछ पैटर्न फॉलो करना होगा, यानी हमें याद रखना होगा कि 1 को हम चेंज कर देंगे sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर में। इसमें हम पैटर्न कैसे फॉलो करेंगे मैं आपको क्वेश्चन करके दिखाता हूं कि किस तरह का पैटर्न हम इसमें फॉलो करने जा रहे हैं। और भी इसके पार्ट हैं, लेकिन प्रूविंग का जो पार्ट है उसका पैटर्न हमको यही करना है पहले। चलिए, हाँ, क्वेश्चन हमें मिल गया sec प्लस tan प्लस 1, sec थीटा प्लस tan थीटा प्लस 1 बाय tan माइनस sec प्लस 1, tan माइनस sec थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू cos बाय 1 माइनस sin, cos थीटा बाय 1 माइनस sin थीटा। आपको मैं बताऊं एक बहुत खास चीज, देखिए यहां पे sec है, tan है, tan है, sec है। जो बच्चा को आता है 50% वाले रूल में कि हम सबको sin और cos में कन्वर्ट करेंगे, वो बच्चा भी सही है। मेथड थोड़ा लेंदी होगा, क्वेश्चन कम से कम इसमें जो आसानी से बनने वाला है वो 3 गुना हार्ड हो जाएगा, लेकिन आपका ये क्वेश्चन ज्यादा आसान हो सकता है अगर आप इस 1 को अगर आप चेंज कर लेते हो, इस 1 को अगर आप चेंज कर लेते हो। ये क्या है, tan और sec के फॉर्म में है, तो आपको पता है कि sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। और मैं अगर फॉर्मूला अभी लिखा था कुछ देर पहले यहीं पे, तो आप देखोगे कि 1 को मैंने क्या लिखा था, sec थीटा प्लस tan थीटा और इनटू sec थीटा माइनस tan थीटा, मैंने ऐसा फॉर्मूला लिखा था। तो हम इस 1 को क्या करेंगे, इस तरह के फॉर्मूला में चेंज करेंगे इस 1 को, ठीक है। और जब 1 को हम इस तरह के फॉर्मूला में चेंज करेंगे तब देखो कितना आसान बनता है। यहां देखो हम क्या करेंगे, LHS पहले तो हमने लिखा, यहां हो गया हमारा sec थीटा प्लस tan थीटा, ये पहला जो दो टर्म है इसको अलग रख देते हैं, और 1 के जगह पे हम क्या लिख रहे हैं, sec प्लस tan और sec माइनस tan। तो हम लिख सकते हैं यहां पे sec थीटा प्लस tan थीटा और इनटू क्या हो गया, sec थीटा माइनस tan थीटा, ये हो जाए, ठीक है। अब यहां पे आप देखोगे ध्यान से कि अगर आप इसको सॉल्व करते हो, यहां पे ऊपर भी आप ले सकते थे 1 और नीचे भी आप ले सकते हो 1, आप क्या कर सकते हो यहां पे नीचे भी ले सकते हो आप 1, समझ गए। तो यहां पे आप ऊपर अगर 1 लेते हो तो आप देखो यहां पे ध्यान से कि इन दोनों में जब कभी भी ये पार्ट आप कॉमन लोगे, जब कभी भी sec थीटा प्लस tan थीटा आप कॉमन लोगे, तो आपके पास इसके जगह क्या बचेगा, 1 बचेगा, और यहां क्या बचेगा, प्लस sec थीटा और प्लस माइनस tan थीटा बचेगा, क्या बचेगा, माइनस tan थीटा बचेगा, यही बचेगा ना। और हमारे पास जो क्वेश्चन है, हमारे पास उस एक मिनट, हमने क्वेश्चन में यहां पे माइनस है तो हमें यहां माइनस लिखना है, ठीक है। तो जब हम माइनस लिखेंगे तो क्या होगा, यहां पे माइनस का साइन होगा। चलिए
हम आगे बढ़ते हैं। हमने क्या किया, इस वन को कन्वर्ट कर दिया इस फॉर्मूलाज में। अब देखिए नीचे जो है वही रखेंगे हम, टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस वन। अब क्या हमने बोला था, इन दोनों को कॉमन लेना है, यानी कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा को हम कॉमन लेंगे। तो यहां पे जब आपने ये कॉमन ले लिया तो यहां क्या बचा, कुछ नहीं, वन माइनस, और ये भी आपने कॉमन में बाहर निकाल लिया है तो आपके पास क्या बचा, सेक माइनस टेन। और अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो इन दोनों का साइन क्या होगा, चेंज हो जाएगा, यानी सेक का साइन हो जाएगा नेगेटिव और टेन का साइन हो जाएगा पॉजिटिव। यही होगा ना, देख लीजिए ध्यान से, हमने इस क्वेश्चन में कुछ ज्यादा काम नहीं किया है, केवल इस वन को हमने इस फॉर्मूला में चेंज किया है, सेक प्लस टेन इंटू सेक माइनस टेन। और हमने क्या किया है कि सेक प्लस टेन को दोनों में से कॉमन बाहर निकाला है, तो यहां बचा है हमारा वन माइनस, और ये दोनों पार्ट के आगे जब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो इन दोनों का साइन भी चेंज होगा। नीचे क्या है हमारा, वन माइनस सेक थीटा और प्लस टेन थीटा, यानी कि अरेंज फॉर्म में हमने सामने लिखा, क्योंकि हमें पता था ये कटेगा, क्योंकि हमें पहले से पता है कि 10% क्वेश्चन तो पैटर्न पे चलेगा, और 10% क्वेश्चन जो पैटर्न पे चलेगा उसमें ऐसे ही क्वेश्चन है, तो ये क्या होगा आपके कट जाएंगे। अब आपके पास क्या आया, sec प्लस टेन, और हमें तो साइन कॉस में आंसर चाहिए, तो हम sec को लिख सकते हैं वन बाई कॉस, और टेन को लिख सकते हैं साइन थीटा बाई कॉस, और इसको सामने से हम लिख सकते हैं कॉस डिनोमिनेटर में एलसीएम, और ये हो गया आपका वन प्लस साइन थीटा। अब देखो आप, यहां पे आपको कुछ और चाहिए, वन माइनस साइन चाहिए और ऊपर क्या चाहिए, कॉस चाहिए। तो जब हमें ऊपर कॉस चाहिए तो क्यों ना हम ऊपर नीचे कॉस कॉस से मल्टीप्लाई कर दे। जब आप कॉस कॉस से मल्टीप्लाई करोगे तो नीचे क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर, और कॉस स्क्वायर का वैल्यू अभी आपने क्या याद किया है कि कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू होता है वन प्लस साइन थीटा इंटू वन माइनस साइन थीटा। यानी कि इस कॉस स्क्वायर को आप ये वाले पार्ट में चेंज कर सकते हो, तो यहां क्या हो जाएगा आपके पास, वन प्लस साइन थीटा इंटू वन माइनस साइन थीटा, और ऊपर क्या है, वन प्लस साइन थीटा इंटू एक कॉस तो आपने मल्टीप्लाई किया था, जो अभी हमने बोला था कि अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पार्ट आ गया साइन थीटा का पार्ट। लेकिन आपको एक और बात मैं बताऊं कि एक इस तरह के क्वेश्चन में अगर आप दो चार बार प्रैक्टिस करते हो ना तो ये लास्ट में जो प्रॉब्लम आ रहा है वो नहीं आएगा। कैसे नहीं आएगा, आपको शुरू में दिख जाता है कि सर sec प्लस टेन कॉमन ले रहे हैं तो हमारे डिनोमिनेटर में भी प्लस का पार्ट आएगा, अगर हम sec माइनस टेन लिए होते तो आसान होता। तो हम क्या करेंगे, इस न्यूमरेटर वन के बजाय इस डिनोमिनेटर वन को कन्वर्ट कर देते। चलिए हम वो भी करके देखते हैं, यहां तो आ गया हमारा आंसर, हम लोग इसी क्वेश्चन में डिनोमिनेटर वाले वन को कन्वर्ट करते हैं। इंटरनेशनल स्कूल का एक बच्चा विश्वास हो गया, तो वो ट्वेल्थ करने के बाद आगे पढ़ रहा है, उसने ये क्वेश्चन को बहुत शानदार ऐसे ही बनाया था एग्जाम में। चलिए यहां देखते हैं, हमारे पास क्या है, sec थीटा प्लस टेन थीटा माइनस वन बाय, यहां क्या है, टेन थीटा माइनस sec थीटा प्लस वन के जगह क्या लिख सकते हैं हम, sec थीटा प्लस टेन थीटा इंटू sec थीटा माइनस टेन थीटा, हम ये लिख सकते हैं, ठीक है। और यहां देखो कि अगर हम sec माइनस टेन और टेन माइनस sec को एक बनाना चाहें तो हमें क्या करना होगा, इसके आगे माइनस का साइन लिखना होगा, क्या करना होगा, इसके आगे माइनस का साइन लिखना होगा। तो हम देख रहे हैं कि इसको चेंज कर देते हैं, तो यहां पे हम क्या करते हैं, पहले तो sec माइनस टेन को कॉमन ले लेते हैं, sec माइनस टेन थीटा को हमने क्या किया, कॉमन ले लिया। यहां पे क्या है, sec थीटा प्लस
tan थीटा माइनस 1। जब ये कॉमन लिया हमने तो ये हो गया हमारा माइनस 1। 1 तो तब होता जब tan माइनस 6 कॉमन लेते, लेकिन हमारे पास क्या है, ये हमारे पास जो पार्ट है वो है sec माइनस 10 कॉमन लिया, तो ये हो गया माइनस 1 और यहां पे आ गया प्लस sec थीटा और प्लस tan थीटा। देखो ध्यान से यहां पे कि आपके पास ये दोनों पार्ट अब इक्वल है, माइनस 1 यहां भी है, प्लस sec यहां भी, प्लस 10 यहां भी है, तो ये कट जाएगा, तो बचेगा क्या आपके पास 1 by sec माइनस 10 है ना, और sec माइनस 10 जब आपके पास बचा है तो आप इसको लिख सकते हो 1 by cos माइनस sin by cos, यानी कि 1 माइनस साइन थीटा हो गया बाय कॉस थीटा और ऊपर 1 है, और इसको उल्टा करेंगे तो क्या आएगा, कॉस थीटा बाय 1 माइनस साइन थीटा हो गया, तो ये पार्ट आपका बन जाता है। तो हम लोग इसके कुछ और भी इंपॉर्टेंट डाउट्स को डिस्कस करेंगे, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप ये फॉर्मूला याद कर लो और पूरा का पूरा इसको सॉल्व करो, ठीक है। तो ऑल द वेरी बेस्ट, गुड डे, where is the cover of this market, all the very best, bye bye, जरा आपका मैं देख लूँ comment, bye bye करना है आपको, हाँ जी बेटा, ठीक है, अदिति भी है, हर्षा भी है, फिर अभी भी 3 बच्चे हैं, तो चलिए very good, good day, enjoy करो, next class science का physics का लूँगा मैं, और broadcast group से ही मानसो तुमको जोड़ नहीं पाया हूँ, उसमें जोड़ दूँगा तो तुमको material जाएगा, आप लोग को जो लिखना है लिखिए, हाँ जी बाय बाय आर्यन, बाय आर्यन मीन्स अदिति, बाय बाय, गुड डे बेटा, चलिए ऑल द बेस्ट।